हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 के और वाले पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन सोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पर जो अनसाइडेड रीजन देखने को मिल रहा है, ये सारा का सारा तो साइडेड है। ये जो बीच वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसका सिंपल फॉर्म में आपको एरिया निकालना है कि क्या होगा। ठीक है सर, एरिया निकालना होगा। कैसे निकाल सकते हैं हम इसका एरिया? अगर आप देखो तो ये सब 14 14 दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो स्क्वायर है, बट उससे फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस याद रखियो 14 14 14, ये सारा लेंथ कितना है, दैट इज 14 सेंटीमीटर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप यहां पर ऐसे लाइन इसको ज्वाइन कर दो, ऐसे आप इसको अगर ज्वाइन कर देते हो, तो क्या बीच में एक छोटू सा स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है? ये वाला पार्ट आपको छोटू सा स्क्वायर देखने को मिल रहा है? हाँ सर, हमें तो देखने को मिल रहा है छोटू सा स्क्वायर। उसके साथ साथ 4 सेमी सर्कल देखने को मिल रहा है। आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ तो सेमी सर्कल भी हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, अगर हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर और उसमें ऐड कर दे इन चारों के चारों सेमी सर्कल के एरिया को, तो हमें अनसेटल्ड रीजन का एरिया तो मिल जाएगा। हाँ सर, ये भी मिल जाएगा, बट ये मिलेगा कैसे, क्योंकि किसी का तो कुछ भी लेंथ नहीं दिया हुआ है, कुछ भी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, ये लाइन अगर हम लोग ऐसे ज्वाइन करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हो आप। ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो आप। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर यहां से यहां तक का पार्ट या यहां से यहां तक का पार्ट ये क्या होगा, आप बोलोगे सर ये तो रेडियस होगा, और यहां से यहां तक का पार्ट ये भी रेडियस होगा, यहां से यहां तक का पार्ट ये भी रेडियस होगा। ठीक है, यहां से यहां तक का पार्ट अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये रेडियस, तो ये टोटल लेंथ कितना होगा, 2 रेडियस। ठीक है, उसी टाइप से यहां से रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ये भी हो जाएगा हमारा रेडियस। ठीक है, ठीक है, तो क्या सबसे पहले हम लोग आर का वैल्यू फाइंड आउट कर ले, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ होगा वो एक्चुअल में 14 के इक्वल होगा। हाँ सर, बिल्कुल 14 के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर। गिवन फिगर के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो, ऊपर का 3, ये वाला 3 + r + 2r, है ना। ये यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, इस लेंथ के इक्वल, और ये लेंथ कितना है, दैट इज 2r, प्लस नीचे में r, प्लस ये कितना 3 इज इक्वल्स टू कितना 14 सेंटीमीटर होगा ना। बोलो होगा कि नहीं होगा, यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा ये 14 सेंटीमीटर के ही तो इक्वल होगा। हाँ सर, ये भी 14 सेंटीमीटर के इक्वल तो पक्का होगा। ठीक है, 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। आ जाओ 6 लिख लेते हैं हम लोग, आर 2r + 3r + 4r, है ना। तो यानी कि टोटल आर 2r + r + r कितना हो गया, 4r इज इक्वल टू कितना, 14। ठीक है, अब ये प्लस में इक्वल इधर गया तो माइनस में, तो 4r = 8, और 4 के टेबल में 2 टाइम्स, तो r इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। यानी कि अब हमें रेडियस पता चल गया कि कितना होगा, दैट इज हमें देखने को मिला 2, है ना। यानी कि इससे सेमी सर्कल का रेडियस मिल गया। और अगर साइड बात करें, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का अगर हम लोग साइड बात करें तो ये किसके इक्वल था, 2r के इक्वल था, है ना। यही वाला तो साइड है, यही वाला तो साइड है, और ये साइड कितना है, 2r, तो ये भी कितना होगा, 2r 2r 2r, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 2r के इक्वल, दैट इज 2 × 2, दैट इज कितना, 4 सेंटीमीटर। ये भी r किसमें होगा, दैट इज सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं सर, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आ जाओ, अब अगर आपसे पूछा गया कि एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन बताइए, एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन, है ना, एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, किसके इक्वल होगा, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस 4 क्या है, सेमी सर्कल है, और सेब सबका
रेडियस कितना आर है, तो 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये लिख सकते हो, 4 इंटू एरिया ऑफ क्या, दैट इज सेमी सर्कल, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, और साइड कितना है स्क्वायर का, दैट इज 4, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे निकल जाएगा, है ना, वैल्यू मिल गया। अब हमें 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, प्लस इसको मार दिया जाए ये 2 टाइम्स में कैंसर, सॉरी सॉरी 2 इंटू, है ना, पाई को पाई रहने देते हैं, आर आर का वैल्यू कितना आया था 2 आया था, 2 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 16 प्लस 4 2 जा 8 पाई, 4 2 जा कितना 8 पाई, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। अगर आप पाई के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो इतना हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, अगर आप चाहते हो कि नहीं इसको तो हम पाई के टर्म्स में ना लिखकर पाई का वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 22/7 पुट कर सकते हो, हालांकि जो आंसर दिया हुआ है हमारा इतना ही आंसर दिया हुआ है, आप 22/7 पुट करके हमें आंसर बता दोगे, ठीक है, तो वो भी हमारा हो जाएगा, यानी कि एक हो जाएगा 16 प्लस 8 इंटू कितना हो गया 22/7, तो जो भी पॉइंट्स में आपके पास वैल्यू आ जाएगा वो हमें वैल्यू जो है कमेंट सेक्शन में बता दोगे, तो जिसका सही हो जाएगा मैं उसके हर्ट दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 के सॉल्यूशन के साथ, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे, साथ ही साथ अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो फटाफट से।